आज की कहानी का शीर्षक है एक पागल बाबा। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, वे हमसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की कामना नहीं करते और ना ही किसी फल फूल की अपेक्षा रखते हैं। ईश्वर तो बस कोमल भाव और प्रेम चाहते हैं, निर्मल मन चाहते हैं। उनको तो भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए बस। जिस भक्त का स्वभाव निर्मल है, हृदय निर्मल है तथा जो छल कपट से दूर है, उन्हें तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती ही है। तो इसे हम बेहतर समझ सकते हैं इस कहानी के जरिए। एक पंडित थे, वो श्री बांके बिहारी लाल जी को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस कान्हा कान्हा करके व्यतीत होता। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया पर उस धन को लौटाने की 12 किश्त ब्याज सहित बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किश्त भर दी, एक किश्त ना भर पाए। इस पर सेठ जी 12वीं किश्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे प्यारे कान्हा श्री बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरे कोर्ट में ठहाके फूट पड़े। अब गवाही की दिनांक तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट में वकील जज को अपनी दलीलें पेश कर रहा था। पंडित जी को अपने श्री बांके बिहारी लाल जी पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया, तभी वहां एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें कि सेठ जी को इस तारीख इतने बजे पैसा दिया गया है और सेठ के बही खाते अमुक अलमारी में है, उनसे मेल कर लिया जाए। कोर्ट के आदमी भेज वही खाते मंगवाए गए। खाते मेल खा रहे थे कि उस तारीख को किश्तें चुकाई गई। 3, अब पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया और मुकदमा करने की एवज में सेठ पर जुर्माना भी लगा दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब, यही तो मेरे श्री बांके बिहारी लाल जी थे जो भक्त की दुविधा देख ना सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और श्री बांके बिहारी लाल जी का पता पूछा। पंडित जी बोले, मेरे कान्हा तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज साहिब ने घर बार काम धंधा सब छोड़ कान्हा को ढूंढने का निश्चय किया और निकल पड़े। सालों बीत गए पर कान्हा जी नहीं मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता, आधा खुद खाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो ना सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया, अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा, करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों पर ध्यान लगा दिया। फिर क्या था, एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई, आज जो पहले आपको भोजन ना करा सका।
पर अब क्या करूं। तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, अरे जज, तू नीरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच। चल, निकालने वाली को आज तेरी जूठन सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह का त्याग कर दिया। और वो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।